मध्य प्रदेश के मुखिया शुक्रवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान छिंदवाड़ा जिला के बिछुआ में संभागीय स्तरीय मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान कार्यक्रम में पहुंचकर जिले वासियों को 1,000 करोड़ रुपए की राशि से नए कार्यों की दी सौगात एवं सीएम शिवराज सिंह चौहान का भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हेलीपैड के पास स्थित 467 लाख रुपए का निर्मित नवीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण किया। साथ ही 722 करोड़ के 289 विकास कार्यों का भूमि पूजन किया और 278 करोड़ के 54 विकास कार्यों का लोकार्पण किया। विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए जनमानस को पैसा एक्ट के लाभों को गिनाया गया। साथ ही सरपंच और ग्राम सभा के अधिकारियों को उनके दायित्व और भूमिका से अवगत कराया। वहीं कार्यों में लापरवाही बरतने वाले छिंदवाड़ा सीएमएचओ जीएन चौरसिया और नगर परिषद बिछुआ के सीएमओ चंद्रकिशोर भवरे को मंच से तत्काल सस्पेंड किया। वहीं अच्छे कार्यों को लेकर जनपद सीओ सचिव एवं पटवारी को भी सम्मानित किया। शिवराज सिंह चौहान ने मंच से संबोधित करते हुए सभी कर्मचारी और अधिकारी को यह कहा कि जो भी कार्यों के प्रति लापरवाही बरतेगा उन पर तत्काल ही कार्रवाई की जाएगी और जो अधिकारी ईमानदारी से जन हित के कार्य करेगा उनका सम्मान किया जाएगा। अब पिछले दिनों में आया था छिंदवाड़ा सीएमएचओ को मेरी शिकायत मिली हटा तो बाद में कहा फिर से अभी वही है और इसलिए मैं छिंदवाड़ा सीएमएचओ को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर रहा हूं। ऐसे लोग जो काम नहीं करेंगे और जिद करेंगे तो उनको फिर सरकारी नौकरी में रखने का रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं यहां आया तो मैंने पूछा बिछुआ का हाल क्या है तो कहने लगे साहब सीएमओ है नहीं। अब मुख्यमंत्री है और सीएमओ यहां नहीं है तो नौकरी काय को करे उनको भी मैं सस्पेंड कर देता हूँ बिछुआ का सीएम। तो ये जनता की सेवा करना विकास के काम करना चाहिए। बीसीएन न्यूज के लिए जिला ब्यूरो गजानन बोरकर के साथ राजेश उइके की रिपोर्ट।